हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग कर रहे हो आपको बाद में बताएंगे। और अभी जा रहे हैं बाय बस और माऊ को घर में सुलाया है, नहाकर वो सो गई है। टाइम है आफ्टरनून और मम्मी घर में है, उसे सुलाकर मम्मी के साथ छोड़ के आए हैं और वेट कर रहे हैं बस का। तो चलिए आ जाते हैं बस से। हाय विवेक, आज बाहर कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि मैं घर पे नहीं था। तो खाना नहीं बना था सुबह सुबह। तुम घर पे नहीं थे इसलिए खाना नहीं बना। खाना बना पर अभी सुबह सुबह ही निकले ना, सुबह सुबह ही मैं आ गया हूँ, बाहर गया था। सुबह सुबह इसने मुझे लेके आई बाहर। मुंबई का क्लाइमेट बताओ। मुंबई का क्लाइमेट अभी बाहर है, आपको बता ही चल जाएगा। अमेरिका बहुत गर्मी है। चलिए तुम डिसाइड करो मेनू, मैं पीती हूँ पानी। पहले जा रहे हैं चाची के पास, क्योंकि चाची को मैंने नाचनी का आटा बनाने के लिए कहा था, तो चाची ने बना कर रखा है माऊ के लिए, तो वो लेके जाना है। तो इसलिए जा रहे हैं पहले चाची के घर, उसके बाद में वहाँ से घर जाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और कौन सा भाई विवेक दूर गए, थैंक यू कशाला म्हणायचं। पति को कोई थैंक यू कहता है क्या कुछ अगर पति ने दिया तो? बोलिए, आप ही बोलिए। फिर भी मैं इनका दिल रखने के लिए बोल देती हूँ थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको घर जाने के बाद। वेटिंग फॉर द बस। चाची से आटा लेके आए हैं, बैग में रखा है और बहुत वेट हो चुका है हाथ में। जल्दी से अगर बस मिल जाए तो चले जाएंगे। मैं इसमें देख रही हूँ, अगर बस आई तो पता चल जाएगा। तब तक आपसे बातें करते हैं। और मुंबई का क्लाइमेट बहुत हॉट है अभी फिलहाल, और आई थिंक 2:30 बज चुके होंगे। हमें जाकर आई थिंक दो घंटे के ऊपर हो गया है। और अभी जल्दी से घर जाना है माऊ के लिए। माऊ उठ चुकी है, मैंने कॉल किया था घर मम्मी को, माऊ उठ चुकी है, माऊ खेल रही है। और बस मिलने के बाद जाएंगे घर। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। Hey guys, तो आ गए हैं हम घर। मैंने चेंज कर लिया है, और ये हमारे लेजी मैन कभी भी चेंज नहीं करते जल्दी। इनको बताना, याद करना पड़ता है, उसके बाद में ये करते हैं। अभी शॉपिंग तो कर ली हमने, माऊ ने शॉपिंग करना शुरू किया है। माऊ को देखना है क्या शॉपिंग की है। देखो अभी वो पीछे ही खा रही है। लाल कलर दिसते काय करती तू? लाल पाहिजे ते आपको दिखाती हूँ। तू काय करते? तुला पाहिजे ते? अयो कॅमेरा दिसला। ए माऊ नको खाऊ, माऊ नको खायचं नाही ते, माऊ नको खाऊ। ए बघ ऐकते कालटून चुप। अभी उसे देखना ही है उसके अंदर क्या है। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो में माऊ की झलक। माऊ क्या कर रही है वो हमने आपको दिखाया, और ये अच्छे से रही थी, खेल रही थी, मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं किया। और
अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लाया है और विवेक ने मुझे क्या दिया है। बर्थडे इनका हो गया है लेकिन गिफ्ट पर गिफ्ट मुझे मिले जा रहे और आज मेरी इनकी जेब काफी खाली कर दी है आज। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइस ये बीच बीच में आ रही थी, शूटिंग करने नहीं दे रही थी, इसलिए इसे लेकर मैं बैठी हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। तो सबसे पहले मैं आपको पेटीकोट्स दिखाती हूँ जो साड़ी में पहनते हम कॉटन के। ये मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ, नेवी ब्लू कलर और ये मरून कलर, मतलब मैचिंग नहीं लेके आई हूँ किसी साड़ी पर, मम्मी को घर में पहनने के लिए चाहिए थे तो इसलिए ये मतलब मेले भी ये हो जाएंगे तो दिखने में नहीं आएगा ज्यादा, तो इसलिए मैंने इस तरह के डार्क कलर लिए हैं और ये नेवी ब्लू कलर और ये मरून कलर, ये दो पेटीकोट्स मैंने मम्मी के लिए लिए हैं। इसे मराठी में परकर भी कहते हैं। उसके बाद मैंने खुद के लिए ये क्या कहते हैं ब्लाउज पीस लिए है, गोल्डन कलर का लिया है ताकि ये हर एक साड़ी पर मैच हो जाता है, तो इसलिए ये एक लिया है। और मेरी ग्रीन कलर की एक साड़ी है, उस पर मतलब बॉर्डर की साड़ी है, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन साड़ी, मराठी में उसे काटा पदराची साड़ी मतलब, तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज लिया है क्योंकि उसका ब्लाउज जो है वो खराब हो गया है। ये देखिए क्या कर रही है। तो ये जो ब्लाउज है भी मरून कलर का ही है, ये मैंने उस साड़ी के लिए लिया है। और एक मैंने मल्टी कलर ब्लाउज लिया है ग्रीन कलर का, ये भी किसी साड़ी के साथ चल जाएगा। और मेरी और एक साड़ी है जिसका ब्लाउज ग्रीन कलर का था तो मैंने उस साड़ी के लिए ये लिया है, हाँ इसके लिए लिया है। तो ये तीन ब्लाउज पीस जो है मैंने लिए है। अब आते हैं मेन शॉपिंग पर। एक्चुअली मैं लेने गई थी एक साड़ी फंक्शन में पहनने के लिए क्योंकि अभी शादियों का सीजन स्टार्ट है तो रिलेटिव्स में यहाँ वहाँ शादियाँ वगैरह होती रहती है, तो मैंने सोचा कि एक अच्छी सी साड़ी ले लेती हूँ। तो मैं लेने गई थी साड़ी तो विवेक ने मुझे वहाँ पर 5 साड़ियाँ लेके दी है, तो अभी मैं सिर्फ आपको साड़ियाँ ऐसे ही दिखा दूंगी और इसे पहन कर मैं आपको कुछ दिन बाद मतलब एक वीक बाद में वगैरह मैं सारी साड़ी आपको पहन के दिखाऊंगी क्योंकि इसके ब्लाउज अभी सिलवाने के लिए देने हैं तो वो स्टिच होके आएंगे, उसके बाद में मैं इस साड़ी का एक हॉल ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक साड़ी, अभी मैं सारी साड़ियाँ खोल कर आपको नहीं दिखाऊंगी, इसका मैं पीको फॉल वगैरह करके ब्लाउज स्टिच करके आपको पहन के ही दिखाऊंगी। इसे 1 वीक का टाइम आई थिंक चला जाएगा तो मैं साड़ी आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये कुछ लाइट ग्रीन कलर की साड़ी है, इसकी बॉर्डर है गोल्डन कलर की और यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर की बॉर्डर है, सेम इसी कलर का पल्लू है और ब्लाउज पीस भी सेम इसी कलर का है। तो ये एक साड़ी हो गई, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी। उसके बाद ये एक है क्रीम कलर की साड़ी, इस तरह के इसके ऊपर ये मशीन वर्क है, क्या कहते हैं गोल्डन जरी जो होती है उसका मशीन वर्क है और रानी कलर डार्क पिंक कलर भी आप ऐसे कर सकते हैं, उस कलर की यहाँ पर से बॉर्डर है उस पर भी गोल्डन वर्क है और इसका जो ब्लाउज है वो भी इसी कलर का है, रानी कलर का मतलब डार्क पिंक कलर का और इसका पल्लू भी इसी तरह से है वर्क किया हुआ और पिंक कलर का। तो ये एक साड़ी हो गई। इसके बाद आते हैं ये वाली साड़ी, इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया, इसका कॉम्बिनेशन जो है ग्रीन और ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज कलर है ये और इस पर भी गोल्डन वर्क है जरी का और ये पूरी साड़ी इसी तरह से है डिजाइन और इसका पल्लू जो है वो ग्रीन कलर का है और इसका ब्लाउज पीस भी है जो ग्रीन कलर का ही है। तो ये एक ऑरेंज ग्रीन कलर की साड़ी हो गई। उसके बाद ये लाइट ग्रीन कलर भी कह सकते हैं, पिस्ता कलर भी आप इसे कह सकते हैं और ये मेरा फेवरेट कलर है और ये कुछ मतलब ट्रेडिशनल साड़ी नहीं है, ये इसी तरह से पूरी प्लेन साड़ी है और इसका पल्लू जो है इस तरह से गोल्डन वर्क किया है और इसका ब्लाउज जो है वो भी रनिंग है इसी कलर का है और इस पर ये एम्ब्रॉयडरी की है गोल्डन कलर से, मतलब गोल्डन कलर की जो जरी होती है उससे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की है, पूरी साड़ी इसी तरह से प्लेन है और इसका पल्लू भी गोल्डन कलर की जरी होती है उसी से पूरा प्रिंट किया हुआ है और रनिंग ब्लाउज इसका।
तो ये एक साड़ी हो गई। अब बताए लास्ट साड़ी पर उन्होंने इससे मुझे कहा कि ये पैठनी है, ये महाराष्ट्रियन साड़ी है, ये पैठनी एक प्रकार की महाराष्ट्रियन साड़ी होती है और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जरी वर्क है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसका ये पल्लू है ग्रीन कलर का, पिंक कलर की साड़ी है, डार्क पिंक कलर की, और इसका पल्लू जैसा है वैसे ही लाइट सॉरी प्लेन ग्रीन कलर में इसका ब्लाउज पीस है। तो ये इस तरह की साड़ी थी, ये ऐसी साड़ी है जो है काटा पदरा की, सॉरी काटा पदर की मराठी में कहते हैं, मतलब इसका जो पल्लू है ये भी ऐसा भरा हुआ रहता है वर्क से, और इस तरह से बॉर्डर होती है पूरी साड़ी को, और ब्लाउज पीस भी उसका इसी तरह से बॉर्डर का आता है। इसे महाराष्ट्रियन साड़ी कहते हैं, मराठी में काटा पदरा की साड़ी ऐसे कहते हैं। और ऐसी साड़ी जो होते हैं वो महाराष्ट्रियन जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या फिर शादी वगैरह होती है उसमें काफ़ी पहनी जाती है इस तरह की साड़ियाँ। तो मेरे पास ना कुछ कम ही थी इस तरह की साड़ियाँ, तो मैंने ली और मुझे काफ़ी पसंद आते हैं इस तरह की साड़ियाँ। तो मोस्टली मेरे पास जितने भी साड़ियाँ हैं इसी तरह के हैं और मुझे ऐसे साड़ियाँ काफ़ी पसंद आती है। तो मैंने ये काटा पदरा से साड़ियाँ, सॉरी मराठी बात कर रही हूँ, इस तरह की साड़ियाँ ली है और एक कुछ सिंपल मुझे अच्छी भी लगी, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है तो इसलिए ली। और ये एक थोड़ी फैंसी साड़ी है, इसका कलर मुझे अच्छा लगा और बहुत ही सिंपल प्लेन साड़ी है तो इसलिए मैंने ये साड़ी ली। तो इस तरह से ये मेरी शॉपिंग है। आप बताइए आपको कौन सी साड़ी पसंद आई और ये भी बताइए कि मुझ पर इनमें से कौन सी साड़ी सूट होगी। तो जी हाँ, ये हो गई शॉपिंग। तो फ्रेंड्स बताइए आपको मेरी साड़ियाँ कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकॉन है, उसे हिट करना ना भूले ना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ना भी मिलती हो बेल आइकॉन क्लिक करने पर भी, तो भी प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है या नहीं। अगर कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, कौन सी साड़ी पसंद आई वो भी बताइए, और सारी साड़ी आपको कैसी लगी वो भी बताइए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। और एक बात, मैंने साड़ियों की जो है प्राइस बताई नहीं है आपको वीडियो में, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि प्राइस बताना, तो इसलिए मैंने नहीं बताई है। और हाँ, शेयर कीजिए वीडियो तो जल्दी लौटेंगे नई वीडियो पे।